Hello friends, today we'll study leadership theories part 1, that is we'll explain trait theory. Yani ki aaj hum padhenge netritu ke siddhant ka bhag 1 aur us siddhanton ki shrankhla mein jo sabse pehla siddhant hum padhenge jo sabse purana aur classical siddhant jise kaha jata hai use visheshta siddhant ya trait theory kaha jata hai. To is kadi mein sabse pehla aaj hum padh rahe hain ट्रेट थ्योरी यानी विशेषता सिद्धांत. सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि विशेषता तो सिद्धांत है, इसको विशेषता दृष्टिकोण या उपागम के नाम से भी जाना जाता है. विशेषता उपागम यानी विशेषता दृष्टिकोण या विशेषता सिद्धांत. विशेषता का मतलब है यहाँ पर किसी व्यक्ति के कोई गुण, कोई ट्रेट, कोई डिस्पोजिशंस, सर्टेन क्वालिटीज एक्सेट्रा. यहाँ पर देखिए आप ये बताता क्या है, ये सिद्धांत नेतृत्व को किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है. ये बताता है कि विशेषता दृष्टिकोण मनोविज्ञान में स्वभाव या मनोवृत्ति दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है. ओके, ठीक. जहाँ एक विशिष्ट व्यवहार प्रतिरूप स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न स्पेसिफिकली लीडरशिप के कंटेक्स्ट में, यानी कि जहाँ पर एक विशिष्ट व्यवहार प्रतिरूप व्यक्ति की विशेषताओं के संदर्भ में मापा जाता है. यहाँ पर इस सेंटेंस का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवहार करता है, नेतृत्व के कंटेक्स्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि नेतृत्व के सिद्धांत को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति किसी कंटेक्स्ट में कोई व्यवहार करता है तो उस व्यवहार को इस सिद्धांत के अनुसार उसमें कौन कौन से गुण हैं उसके संदर्भ में देखा जाता है. यानी कि अगर अब व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया है तो उसके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए, या फिर ऐसे गुण हैं, कुछ पर्टिकुलर गुण हैं, स्पेसिफिक गुण उसके अंदर हैं, तो उस व्यक्ति ने इसीलिए इस प्रकार का व्यवहार किया है. उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति बहुत अच्छी दोस्ती बनाता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा ज़्यादा लोगों से हंसता बोलता है, अपने विचारों को खुलेआम व्यक्त करता है, उसके मोबाइल में 400-450 से ज़्यादा मोबाइल नंबर सेव्ड हैं, जल्दी से किसी से वो दोस्ती बना लेता है, सामाजिक जो फंक्शंस होते हैं उनके अंदर वो जल्दी घुल मिल जाता है, तो हम उसको देखकर ये ट्रेट सिद्धांत, ये विशेषता सिद्धांत ये बताता है कि जो उसके अंदर बहिर्मुखता का गुण है उसके कारण वो ऐसा करता है. ये दिस इज द क्लियर हो आपको. दिस मीन्स कि ट्रेट के हिसाब से, विशेषता के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को मापा जाता है, और यही बात लीडरशिप के मामले में भी इस सिद्धांत के कंटेक्स्ट में लागू होती है. ये सिद्धांत लीडरशिप के मामले में कहता है कि व्यक्ति के अंदर अगर नेतृत्व के गुण हैं, यानी कि उसके अंदर जन्मजात नेतृत्व के गुण हैं, तो वो लीडरशिप होगा, यानी लीडर होगा, यानी उसके अंदर लीडरशिप का गुण होगा, लीडरशिप की क्षमता होगी. अब आप देखेंगे तो ये दोबारा इसको देख लेते हैं. विशेषता दृष्टिकोण मनोविज्ञान में स्वभाव या मनोवृत्ति दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है. जहाँ पर एक विशिष्ट व्यवहार प्रतिरूप व्यक्ति की विशेषताओं के संदर्भ में मापा जाता है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. विशेषताएँ व्यवहार प्रतिरूप, यहाँ पर व्यवहार प्रतिरूप की बात बार बार करें, बिहेवियर पैटर्न या आदतों या कोई हैबिट्स का एक सेट होता है जो समय के साथ समान रहते हैं. ये सिद्धांत मानता है कि जो ट्रेट्स का जो एक पैटर्न है, एक सेट है, वो ओवर टाइम रिमेन स्टेबल, वो जल्दी से बदलता नहीं है. ये दृष्टिकोण ये मानता है, यानी इसका अर्थ ये है. अभी हम विशेषता उपागम की बात कर रहे थे, उसका अर्थ क्या था उसको समझ रहे थे. नाउ लेट अस सी द मीनिंग ऑफ ट्रेट अप्रोच इन इंग्लिश. ट्रेट अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज डिस्पोजिशनल अप्रोच इन साइकोलॉजी, where a specific behavior pattern, here leadership is measured against the trait of individual. As I was earlier telling that when individual behave in certain situations, so according to this theory, we measure that individual is behaving because of particular or specific traits. That is the meaning of trait approach. Traits are set of behavior patterns or habits which remain सेम और कॉन्स्टेंट ओवर टाइम. नाउ लेट अस सी
what that particular behavior pattern or trait theory or नेतृत्व का विशेषता सिद्धांत या दृष्टिकोण क्या कहता है, एक बार इसको हम देख लेते हैं। थॉमस कार्ली जो एक हिस्टोरियन थे ने 1840 में नेतृत्व के इस दृष्टिकोण को प्रस्तावित किया। उन्होंने बताया कि हीरोज यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर जन्मजात ही नेतृत्व के गुण होते हैं वो उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता पाई जाती है, वो अच्छे एक लीडर बन सकते हैं। उनके बाद फ्रांसिस गाल्टन जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जो एक स्टैटिस्टिशियन थे, जो एक प्रोग्रेसिव मैथमेटिशियन थे, जो एक सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक्सप्लोरर एट्सेट्रा एट्सेट्रा थे, उन्होंने ट्रेट नेतृत्व के जो ट्रेट थ्योरी थी, नेतृत्व का विशेषता दृष्टिकोण था, उन्होंने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया और कहा कि इतिहास को उन असाधारण नेताओं द्वारा आकार दिया जाता रहा है जो विशिष्ट विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं। सेम बात ही कह रहे हैं, ट्रेट थ्योरी की बातें कह रहे हैं कि जो इतिहास को, जो इतिहास लिखा जाता है, इतिहास को जो आकार दिया जाता है, यानी इतिहास जो बनता है, वो जो नेता होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग जो होते हैं, जो कुछ विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं, वही इसे इतिहास को आकार देते हैं, इतिहास को बनाते हैं। इस दृष्टिकोण का तर्क है कि नेताओं के पास दूसरों से अलग दिखने वाली विशेषताएं जन्म से ही होती हैं। ये विशेषताएं कौन सी होती हैं? व्यक्तित्व की विशेषता यानी पर्सनैलिटी की, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, बिहेवियर ट्रेट्स उनके पास जन्म से ही होते हैं, वो सीखते नहीं हैं यहाँ पर आके। और यह सिद्धांत मानता है कि नेतृत्व आयु, ऊंचाई हाइट की बात करता है, बुद्धि इंटेलिजेंस, एकेडमिक अचीवमेंट्स यानी अकादमिक उपलब्धियाँ, न्यायिक क्षमता, डिसीजन मेकिंग, अंतर्दृष्टि जैसे विशिष्ट विशेषताओं का ही कार्य होता है। यानी इन लोगों से, इन चीज़ों से ही, इन गुणों से ही, अगर जिनके अंदर ये सारे गुण हैं तो उन गुणों के आधार पर ही व्यक्ति के अंदर नेतृत्व का गुण अपने आप विकसित हो जाता है, यानी वो इन सब गुणों के माध्यम से ही विकसित होता है, यानी इन गुणों का धनी व्यक्ति जन्म से ही एक नेता पैदा होता है। इसके अनुसार नेता आवश्यक गुणों और विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। तो विशेषता जो दृष्टिकोण है केवल यही कहता है कि कुछ विशेष गुणों के माध्यम से ही जो व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं उनसे व्यक्ति में नेतृत्व शैली की एक क्षमता का विकास होता है और व्यक्ति एक प्रभावी नेता बनता है। नाउ लेट अस सी दिस ट्रेट अप्रोच इन इंग्लिश। थॉमस करेल हुज एन हिस्टोरियन हैज प्रपोज दिस अप्रोच ऑफ लीडरशिप, दैट इज ट्रेट अप्रोच ऑफ लीडरशिप इन 1840। फ्रांसिस गैल्टन हु वाज मल्टीपल हैड मल्टीपल क्वालिटीज ऑफ, ही वाज सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ही वाज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, स्टैटिस्टिशियन एंड साइकोमेट्रिशियन, एक्सप्लोरर, जियोग्राफर, इन्वेंटर एंड ऑल एंड ऑल, एंड ही स्टडीड इट, एक्सप्लोर दिस ट्रेड थियरी एंड इम्प्रूव इट फर्दर, एंड सेड दैट हिस्ट्री इज शेप्ड अप बाय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स हु आर बोर्न विद स्पेसिफिक ट्रेट्स। दिस अप्रोच आर्ग्यूज दैट लीडर्स हैव सर्टेन डिफरेंशिएटिंग ट्रेट्स, दैट इज द ट्रेट्स रिलेटिंग टू पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर बाय बर्थ। डिफरेंशिएटिंग मीन्स दे डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू द ट्रेट्स बिटवीन द लीडर्स एंड दोज हू आर नॉन लीडर्स और फॉलोअर्स, दे दैट बिटवीन देम इट कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन ट्रेट्स विच दे हैव बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ। एंड लीडरशिप इज अ फंक्शन, दिस ट्रेट थियरी स्टेट्स दैट लीडरशिप इज अ फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट सच एज एज, हाइट, इंटेलिजेंस, एकेडमिक अचीवमेंट्स, जजमेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, इनसाइट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इट अज्यूम्स दैट, दिस मीन्स दैट ट्रेट थ्योरी अज्यूम्स दैट लीडर्स आर बोर्न विद रिक्वायर्ड ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे आर नॉट मेड लीडर्स, दे आर बोर्न लीडर्स। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। स्टॉकडिल, जो स्टॉकडिल थे उन्होंने एक मैनेजमेंट साइंस के प्रोफेसर और एंड साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। 1974 में उन्होंने एक रिव्यू किया, एक स्टडी की, एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उन्होंने बताया कि कुछ कारक होते हैं, मुख्य कारक यानी सामान्य कारक होते हैं जिनके आधार पर नेताओं को दूसरे लोगों से, जो नेता नहीं होते हैं उनसे अलग किया जा सकता है, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। जैसे क्षमता होती है,
उपलब्धियां होती हैं, जिम्मेदारी होती है, सहभागिता एवं भागीदारी होती है और सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है। क्षमता मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कैपेसिटी, उपलब्धियाँ मतलब अचीवमेंट्स, जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और सहभागिता एंड भागीदारी का अर्थ है पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट और सामाजिक आर्थिक स्थिति है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये भी कुछ होते हैं, लेट अस विल एक्सप्लेन इट इंग्लिश, हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में जब आएगा इसको बताएंगे हम क्या क्या है। उन्होंने नेतृत्व की विशेषताओं की समीक्षा की, रिव्यू किया उन ट्रेड्स को और उनकी पहचान करके ये बताया, स्टोकडेल बताते हैं कि शारीरिक बनावट, बॉडी की जो शेप है, बुद्धि इंटेलिजेंस, ज्ञान नॉलेज, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास जैसी विशेषताएं नेताओं में आमतौर पर डिफ्रेंशिएटिंग रूप से पाई जाती हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। स्टोकडेल 1974 सजेस्टेड दैट लीडर्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स, कैपेसिटी, अचीवमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। लेट मी एक्सप्लेन इन फ्यू वर्ड्स ईच दिस फॉलोइंग फैक्टर्स अगेंस्ट विच दैट लीडर्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन नॉन लीडर्स। कैपेसिटी मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, मेकिंग जजमेंट्स एंड वर्किंग हार्ड, दीज आर द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच डिफ्रेंशिएट फ्रॉम लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स। अचीवमेंट मीन्स अकेडमिक अचीवमेंट्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, नॉलेज एंड ऑल दीज एक्टिविटीज कम्स अंडर अचीवमेंट्स। देन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेल्फ ड्राइव, परसिवरेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, दीज कम्स अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, मीन्स हाईली डेवलप्ड, दे आर सोशल इंट्रैक्शन, दे हैव हाईली डेवलप्ड सोशल इंट्रैक्शन, दे आर पॉपुलरिटी इज हाई, दे आर फास्ट अडेप्टेशन टू चेंजिंग सिचुएशंस, दिस मीन्स दे आर फ्लेक्सिबल बिहेवियर, दे इमीडिएटली एंड वेरी अर्ली चेंज टू द सिचुएशंस, अडेप्ट टू द सिचुएशन एंड एडजस्ट टू द एनवायरमेंट वेरी फास्ट। एंड द लास्ट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इट मीन्स दैट स्टोकडेल आर्ग्यूज दैट दोज इंडिविजुअल्स हु आर फ्रॉम higher socioeconomic status are found to be effective leaders, but it is a controversial issue in different context. Sometimes leaders comes from very lower class and they have, however, but they have in few time or longer period of time come from socioeconomic status or they converts into socioeconomic status, their status improves drastically. It has been seen worldwide. This means these are the few general factors along which the leaders and non-leaders can be differentiated. Now next, he reviewed the leadership traits and identified that physique and appearance, intelligence, knowledge, responsibility and self-confidence are the most common traits found in leaders. Dear friends, आज हमने पढ़ा leadership का विशेषता सिद्धांत, trait theory, उसका अर्थ trait approach होती क्या है, उसके बाद नेतृत्व की विशेषता सिद्धांत यानी लीडरशिप की ट्रेड थ्योरी कहती क्या है और किन किन साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और वेरियस साइंटिस्ट, वेरियस फील्ड के लोगों ने उनको योगदान दिया, जैसे हमने थॉमस करेल की बात की, स्टोकडेल की बात की, फ्रांसिस गैल्टन की बात की, तो एंड वी हैव टेकन दिस फ्रॉम दिस रेफरेंसेस, आप इनको रेफर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा नेतृत्व का सिद्धांत भाग दो, स्थितिपूरक सिद्धांत यानी कि नेतृत्व लीडरशिप कि जो लीडरशिप है उसकी थ्योरीज, पार्ट टू थ्योरीज करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल थ्योरी, विल रिकॉर्ड इट टुमारो। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। एनी प्रॉब्लम, एनी सजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस और एनी रिक्वायरमेंट यू डू हैव रिगार्डिंग दिस लेक्चर और एनी ऑब्जेक्शन यू हैव, आई विल रिसीव ऑन माई ईमेल vamasujit@yahoo.com एंड रिप्लाई यू इमीडिएटली। थैंक यू फॉर लिसनिंग विद मी पेशेंस।